नागपुर शहर में रेलवे स्टेशन से हम लोग लिबर्टी टॉकीज की ओर जाते हैं। वहाँ एक चौराहा दिखाई देता है, उस पर एक प्रतिमा लगी हुई है। हम लोग कस्तूरचंद पार्क चौक के नाम से उसे जानते हैं। कस्तूरचंद डागा ये नाम नागपुर शहर की दृष्टि से एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर की उपाधि दी थी इन्हें, और कस्तूरचंद डागा जिस समय बैंक नहीं हुआ करते थे उस समय बैंकर का काम किया करते थे। आजकल हम हवाला या चिट्ठी इस नाम से सुनते हैं, तो उस समय अगर विदेशों में भी या लंदन हो अमेरिका हो किसी को भी पैसे का व्यवहार चाहिए होता था, वो कस्तूरचंद डागा की चिट्ठी वहां पर ले जाते थे और इसी माध्यम से उनका पैसों का काम हो जाता था। इस कस्तूरचंद पार्क चौक के पीछे जो ग्राउंड है, एक जमाने में इसका नाम मीना बाजार था, क्योंकि यहाँ पर खेल महोत्सव का मेलों का आयोजन किया जाता था, इसलिए इसका नाम उस जमाने में मीना बाजार था, जिसे आज हम कस्तूरचंद पार्क के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने एक जगह डोनेट की जिसे हम डागा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ महिलाओं का एकमात्र इलाज होता था, जहाँ पर महिलाओं की प्रसूति होती थी, और बहुत ही बड़ी संख्या में गरीब परिवार मध्यम परिवार की महिलाएं यहाँ पर प्रसूति के लिए आती थी। डागा जी को केवल हिंदुस्तान में नहीं, ब्रिटिश सरकार में विदेशों में भी बहुत ज्यादा सम्मान था, और इन्हीं सारे कामों के कारण उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और उनकी स्मृति में ये कस्तूरचंद डागा चौक बना है।